ग्रूबिंग ऑपरेशन। आज हम देखेंगे एक वर्क पीस है 40 mm का, जिसमें सामने से 15 mm दूरी पे 5 mm का ग्रुप काटना है और डाया बनाना है 37 mm का। और हमारे पास ग्रुप का टूल है वो 3 mm का है, और ग्रुप जो काटना है वो 5 mm का काटना है थिकनेस का। तो देखिए, सबसे पहले हम टूल को पोजीशनिंग देंगे यहाँ पे। तो प्रोग्राम बनाते हैं, पहले हेडर लिख लिया, इसके बाद प्रोग्राम देखे G0X पोजीशनिंग 2 mm ऊपर 42 Z-। देखो ये टूल हमने जब टच पॉइंट लिया था तो यहां लिया था, यहां आने में जेड में कितना जाएगा, 3 mm टूल की थिकनेस है, तो ये हो जाएगा 18। फिर 1 mm ग्रुप काटेंगे G01X 39, फीड दे दिए 0.08 की, 1 mm कटिंग हुई। फिर 1 mm टूल को ऊपर उठाएंगे G0X 40, फिर आगे लिखते हैं G01X 38, फिर G0X 39, 1 mm कटिंग कर रहे हैं, 1 mm ऊपर उठा रहे हैं, फिर 1 mm कटिंग किया, 1 mm ऊपर उठाया 39 पे, फिर G01X 37, 37 mm तक ग्रुप कट गया। इसके बाद टूल को पूरा ऊपर उठाएंगे G0X 42, 3 mm का टूल है और 5 mm ग्रुप काटना, तो 3 mm का कट गया। इसके बाद 2 mm इधर शिफ्ट करेंगे, G0X तो 42 ही रहेगा, Z-, 2 mm और शिफ्ट होगा तो जेड हो जाएगा 20 mm, 20 mm। इसके बाद G01X 39, 1 mm डाया कम किया, फिर G0X 40, 1 mm टूल को ऊपर उठाया। इसके आगे देखिए G01X 38, 1 mm और कटिंग हो गई, फिर G0X 39, 1 mm टूल को ऊपर उठाया, फिर G01X 37, तो 5 mm थिकनेस का ग्रुप कट गया 37 के डाया तक। इसके बाद टूल को पहले ऊपर उठाएंगे G0X 42, टूल ऊपर उठ गया। इसके बाद फूटर G28 U0.00 M05 M09 M30, प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। तो 3 mm के टूल से 5 mm का ग्रुप काटा 37 के डाया तक। तो इसका देखे प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं कैसे हमारा कटिंग हो। जेड में -18 mm पे पोजिशनिंग किया, फिर कटिंग हो रही है, फिर पोजिशन हुआ 20 पे माइनस में, फिर कटिंग हो रही है। इस तरह 15 mm दूर पे 5 mm थिकनेस का एक ग्रुप कट गया, जिसका डाया है 37 mm, 3 mm का टूल था।